सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग ट्रिब्यून का जो था वो तो शेयर करते थे, अब हम जो है द इंडियन एक्सप्रेस के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक के नाम बताऊंगा, बाकी आपको जो ये जो आपके ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट मेरे चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इनको। तो सिर्फ जो खाली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं की बात करूँगा, बाकी एंटरटेनमेंट की कोई बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है एक एस्पिरेंट का टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो खाली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने उठाए हैं ये बेसिकली दो तीन इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको पता कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो आपको इम्पोर्टेंट है? अन अकेडमी हो गया आपका, देन वाजीराम सन्स हो गया, देन आपके विजन आईएएस हो गया। तो इन्होंने भी इनको इम्पोर्टेंट माना हुआ है न्यूज़पेपर में, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पेज पे गवर्नमेंट रेज एमएसपी फॉर खरीफ खरीफ क्रॉप्स से डोर फॉर फार्म टॉक्स ओपन। तो ये पीएम मोदी ने जो है खरीफ क्रॉप का जो रेट बढ़ा दिया, ये जो फार्मर इनकम्स जो है डबल करने के लिए इंसेंटिव है। देन आपका आ जाता है शिफ्टिंग द ग्लोबल मिनिमाइजिंग एंड टैक्सिंग फ्रेम विद द एंड ऑफ कॉम्पिटिटिव टैक्स कट बाय द डेवलपमेंट इकोनॉमी नीड वी नीड टू कट द वेट ऑफ टैक्स। ये G7 इकोनॉमी के रिसेंटली जो टॉक हुई है उसमें जो ये बात जो सामने आएगी, अगर हमें डेवलप बनाना है इकोनॉमी तो हमें टैक्स के प्राइस जो है कट करने पड़ेंगे। बेसिकली इंडिया पे काफ़ी लागू होता है। देन ये डू नो हार्म है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, डू नो हार्म, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। देन आपका आता है G7 समिट टू स्टॉप बाइडन बिग ट्रिप टू यूरोप। तो G7 का जो समिट है जो पहले रुक गया था, बाइडन जो है जॉन बाइडन जो यूएस प्रेजिडेंट है वो ट्रिप ले रहे हैं अपने यूरोप का। देन आपका पेंडेमिक प्रोपेल्स ऑकलैंड टू द टॉप मोस्ट लेवल सिटी इन द रेटिंग। तो ऑकलैंड जो है पेंडेमिक के टाइम सबसे टॉप मोस्ट रेटेड सिटी के उस पर मानी गई है ऑकलैंड। के बाद आपका आता है उसका ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड। तो आप ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे मेरे उस पर लिंक पे। द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस, तो इसमें आपको बताया पेट्रोल डीजल के प्राइस क्यों पड़ रहे हैं वाइल। सो अभी आपको पता 100 रुपीज़ प्लस जा रहा है डीजल पेट्रोल, तो उसी के प्राइजेस के बारे में ये थोड़ा सा ब्रीफ बताया हुआ। देन सॉरी ये है वो पेट्रोल, तो इसमें जो आपका रेजिंग को क्रूड बिहाइंड द फ्यूल कॉस्ट, तो ये भी क्रूड पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ये पेट्रोलियम एंड क्रूड से कंटिन्यू रेजिंग प्राइस उसके रिलेटेड है। देन मिक्सिंग द कोविड वैक्सीन, आपको पता भी रिसेंटली कोविड वैक्सीन की मिक्सिंग हो रही थी, लाइक यूपी में काफ़ी केसेज आए थे जहाँ पे किसी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा दी थी, तो उसके रिलेटेड जो है ये एक छोटा सा आर्टिकल आया। देन ये हमारे चैनल का नाम हो गया, बाकी आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जाके डायरेक्ट इन सब के पेजेस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।